वेक्टर्स। वेक्टर्स मींस अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्रेशन। डायरेक्शन के बिना जिसकी बात ही नहीं बनेगी वो वेक्टर है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग पूरा नहीं होगा डायरेक्शन के बजाय बिना, वो वेक्टर आप, वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डायरेक्शन आपको बतानी ही बतानी पड़ेगी मीनिंग पूरा करने के लिए, एक्सप्रेशन कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये आपकी वेलोसिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज डायरेक्शन। और अगर आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करें 5 मीटर पर सेकेंड, देन इट इज स्पीड, इट इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज ओनली स्पीड। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से, और एरो रिप्रेजेंट करने से पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। किसके लिए? डायरेक्शंस के लिए। डायरेक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, और साथ में लेना पड़ता है एक सूटेबल स्केल। जैसे कि मैं यहां ले रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने अगर ड्रॉ कर ली तो ये 1 सेंटीमीटर लाइन किससे रिप्रेजेंट करेगी? स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक 5 सेंटीमीटर लेंथ की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड। कितना है मैग्नीट्यूड? 5 मीटर पर सेकेंड। और इस एरो का हेड जिस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डी वेक्टर की डायरेक्शन। जब आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं तब आपको ये वर्ड नहीं लिखना ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ड्यू ईस्ट पता लग रहा है इस एरो के हेड की डायरेक्शन से, ईस्ट की तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड किससे पता लग रहा है? मैग्नीट्यूड है लेंथ से। अगर इसी स्केल पर, ऑन द सेम स्केल, सेम स्केल पर अगर आपको फाइंड करना है, आपको बनाना है, क्या बनाना है? इस वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। तो अब आपको सेम स्केल रखते हुए, सेम स्केल पर अगर आपने ड्रॉ करना है तो आपको क्या करनी होगी? अब 7 मीटर लेंथ की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और एरो हेड कहां देना होगा? वेस्ट की डायरेक्शन में देना होगा, और इसके नीचे लिखेंगे 7 मीटर पर सेकेंड। भले ही इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी लिखा जाएगा कितना? 7 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हुआ आपके वेक्टर्स का। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर ही ऐड किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी स्केलर ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं किया जा सकता। तो दो वेक्टर आपके पास हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे हम? दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर। तो देयर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड के लिए आपने पहले आपने ड्रॉ करना है ए वेक्टर, और ए वेक्टर के हेड से सेम एंगल पर, जितने भी एंगल पर ये एक्ट कर रहा था डी वेक्टर, सेम एंगल पर आपको बी वेक्टर ड्रॉ कर देना है, सेम थीटा। अब फर्स्ट एक्टर वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दीजिए। किससे ज्वाइन कर दीजिए? लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज
द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, कितना है ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसके लिए आपका फॉर्मूला है आर इक्वल्स स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ए क्या है, ए वेक्टर की लंबाई लेंथ, बी वेक्टर क्या है, यहां बी क्या है, बी वेक्टर की लेंथ, डायरेक्शन नहीं, यहां इस फॉर्मूले में हमें नहीं पता कि डायरेक्शन कौन सा कहां है, सिर्फ और सिर्फ क्या है ये, इनकी लेंथ है मैग्नीट्यूड है। तो फिर लेंथ है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड, जब आपने डायरेक्शन में ली नहीं तो क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड। अब ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ना तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है ना ये, दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर, ना तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में है ना बी वेक्टर की डायरेक्शन में, इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है। इस नई डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे, नई डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है टेन अल्फा इक्वल्स बोलिए ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। और ये बात ध्यान रखनी है कि अल्फा किससे बना हुआ है, अल्फा अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, जो यहां आपने ऊपर लिया है उसके साथ बना हुआ है ये आर वेक्टर का। अगर आप इसे ले लेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो आर वेक्टर का एंगल किसके साथ आ जाएगा, फिर आपका आर वेक्टर का एंगल आ जाएगा बी वेक्टर के साथ में, दोनों में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, अक्सर हम ए से फाइंड कर लेते हैं, जो भी ऊपर यहां आपने लिया है उसी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का बना हुआ एंगल है अल्फा। ठीक है, दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है, इनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल्स आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कितना एंगल है इस पर भी डिपेंड है। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब है, वेन कॉस थीटा इक्वल्स वन, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। और कब है कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, वेन थीटा इक्वल जीरो, इसे हम ये भी कह सकते हैं ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, जब आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल होंगे तब आपने क्या करना होगा, बिल्कुल ये तरीका, पहले ए वेक्टर बनाया, ए वेक्टर के एंड से हेड से क्या बना लिया बी वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को मिला दीजिए, ये आपका बन गया आर वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, आर सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का तब बनता है जब पैरेलल है, और कितना होगा ये मैक्सिमम वैल्यू, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी बताइए, सीधे सीधे डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं ए प्लस बी, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहां कॉस की वैल्यू वन हो गई तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी,
और ये बन गया पूरा ए प्लस बी होल स्क्वायर, रूट में लिया तो आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम कब होगा, व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स मिनिमम कितना है ये माइनस वन, कब बनेगा ये जब आपका थीटा कितना हो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। एंटी पैरेलल का मीनिंग ये आपका ए वेक्टर है तो बी वेक्टर कहां है, बी वेक्टर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तब आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपने ड्रॉ किया ए वेक्टर, ए वेक्टर के हेड से आपने ड्रॉ किया बी वेक्टर, थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूं मैं, ये बी वेक्टर आपने ड्रॉ किया और फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आप ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज व्हाट आर वेक्टर। और आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आर की मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ कॉस थीटा माइनस वन बनेगा और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आर की मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी अगर आपका ए वेक्टर ग्रेटर है किससे, बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड में। और आर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है कितनी हो सकती है, बी माइनस ए, कब, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहां जब पैरेलल है तो आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, क्योंकि आर ये रेड वाला आर है आपका, आर भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ए है। लेकिन यहां क्या है, यहां आपका आर एक ही डायरेक्शन में होगा अगर आपका ए बड़ा है बी से, क्या बनेगा ये आर वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर बनेगा, कब, अगर ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट आपका ए की डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन अगर बी वेक्टर ग्रेटर देन ए वेक्टर हो तो आर वेक्टर कहां बनेगा, आर वेक्टर आपका बनेगा पैरेलल टू बी वेक्टर।